शुद्ध भोज में आपका स्वागत। आज मैं आपको बताऊंगी कचौड़ी की चाट कैसी बनती है। मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, इनको मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब मैंने एक चम्मच बड़ा चम्मच घी डालूंगी, इसमें आलू को फ्राई करूंगी। फ्राई के लिए मैंने लिया है एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच राई, अच्छे से इनको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। मैंने चिली ली है, दो कटी हरी मिर्ची है, मैंने कट टुकड़ों में कर ली थी। अच्छे गोल्डन ब्राउन इनको भी अच्छे से फ्राई करूंगी। हो चुके हैं, अब मैं धनिया पाउडर डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी, घर का कुट्टा शुद्ध गरम मसाला है, और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और अमचूर पाउडर डालूंगी। अच्छे से इनको भूनूंगी अच्छे तरीके से, इसको भी गोल्डन ब्राउन करूंगी। अब मैं उसके बाद टुकड़ों में जो किए थे ना बॉयल किए हुए आलू, वो डालूंगी। दस मिनट इसको अच्छे से ऐसे ही चलाऊंगी। अब मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डालूंगी। अच्छे से हो चुके, अब मैं हरा धनिया डालूंगी। तब तो 10 मिनट इसको ठंडा करने को रख दूंगी। अब मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, 200 ग्राम रवा लूंगी, बराबर करना है। ये मैंने 50 ग्राम मोहन लिया है, किसी का भी ऑयल ले सकते हैं अपन, और स्वाद अनुसार नमक डाला है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब देखेंगे इसका लड्डू बनना है कि नहीं। बन चुका है इसका लड्डू। थोड़ा गुनगुना पानी लूंगी मैं। अच्छे से डो को तैयार करेंगे। अब मैं 10 मिनट तक इसको रख देंगे। अब इसकी 10 मिनट हो चुकी है, अब मैंने लोइयां काटूंगी इसकी छोटे छोटे। चाकू से काटूंगी। अच्छे से इनको बना लेंगे अपन ऐसी लोइयां छोटी छोटी। अच्छे से इनको पूड़ियां बना लेंगे, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा छोटी, इनकी इसकी लेंथ ऐसी ही रखना है।
जो मैंने अपना डो तैयार किया था ना वो इसमें भरेंगे। तरीके से बंद करना है इसको। ऐसे इसको ऐसे कर दूंगी, दबा दूंगी थोड़ा। कचौड़ियाँ बन के तैयार, ऐसे अपन सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लूंगी। सारी कचौड़ियाँ बन के तैयार हैं। अब मैं कढ़ाई लूँगी, इसमें ऑयल डालूँगी। मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन तक। अच्छे से इनको गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं निकालूंगी इनको। कितनी सुंदर खस्ता कचौड़ी बनी है। निकालूंगी, ये प्लेट में डाल ली है मैंने। तैयार हो चुकी है। अब मैं इनकी चाट बनाना सिखाऊंगी। इसको तोड़ लूंगी थोड़ा थोड़ा तरीके से। तोड़ेंगे, चार पांच कचौड़ी लेंगे। इसमें दही डालूंगी। अब मैं इमली की चटनी डालूंगी, मीठी इमली की चटनी है। अब मैं चिली डालूंगी, कटी हुई हरी मिर्च थी। अब मैं नमकीन डालूंगी, इसी वाली नमकीन है। दिखने में भी कितना स्वाद आ रहा है। मैं रेड चिली डालूंगी, ये धनिया पाउडर है। ये कटा हुआ छोटा टुकड़ों में टमाटर है। ये हरा धनिया है। ये पापड़ है। इसका चूरा बनाएंगे, तरीके से डालेंगे। ये मठरी का चूरा है, ये पापड़ का, वो भी डालेंगे। हरा धनिया फिर से डालूंगी। ये चाट मसाला है। थोड़ी सी चटनी और डालूंगी। वाह, देख कितना स्वाद आ जाए, खाते ही मुंह में घुल जाए। थोड़ा सा दही और ऐड करूंगी मैं इसमें। ये ठेले वाली कचौड़ी चाट है। थोड़ा सा धनिया डालो। ये बनके तैयार है, प्लेटिंग हो गई है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में भी शेयर किया करो। कितनी प्लेट मुँह में घुलते ही पानी, देखते ही पानी आ जाता है।